रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रमजान खत्म, अब घाटी में होगा आतंक का खात्मा, सेना का ऑल आउट आए ऑपरेशन शुरू, चार आतंकी ढेर। कहा था वक्त है अभी सुधर जाओ, लेकिन तुम आतंकवादी कभी मानने वाले नहीं हो। अब भारतीय सेना का सर्जिकल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। घाटी में सेना के जवान औरंगजेब और पत्रकार की हत्या के बाद केंद्र ने रमजान के दौरान लागू सीज फायर और आए ऑपरेशन आयल आउट का ब्रेक खत्म कर दिया। रविवार को सरकार की ओर से निर्देश मिलने के बाद सोमवार को सेना ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। इस कड़ी में उसने पहले ही दिन चार आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसके साथ ही आतंक के खिलाफ पूर्व में चलाए गए आए ऑपरेशन ऑल आउट को फिर से शुरू कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम से बात करते हुए साफ संदेश दिया था कि आतंकवादियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कदम उठाने की छूट है। गृह मंत्री ने की पीएम से मुलाकात। सीज फायर के साथ ही रमजान के महीने में आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन ऑल आउट बंद रखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के सफाए में जुट जाएंगी। भारत फिर से आतंकवादियों का सफाया एक तरफ से करने वाला है। भारतीय सेना अब ईंट का जवाब पत्थर से देगी। इस कड़ी में उसने पहले ही दिन चार आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ अभी भी जारी है। सीज फायर खत्म, सर्जिकल आए ऑपरेशन शुरू। केंद्र सरकार भी रमजान के दौरान लागू सीज फायर को खत्म करने को मजबूर हो गया। केंद्र सरकार ने सीज फायर की मियाद आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए सेना को आए ऑपरेशन आयल आउट चलाने के निर्देश जारी किए। सेना ने सीज फायर खत्म होने और आए ऑपरेशन आयल आउट चलाने की छूट मिलते ही सोमवार को बिजबेहरा और बांदीपुरा में आतंकियों के खिलाफ अपने मिशन की फिर से शुरुआत कर दी। बिजबेहरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना ने इलाके को घेर लिया। बांदीपुरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में अब तक चार आतंकी मारे गए। यहां मुठभेड़ अभी भी जारी है। जल्द ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा होने की आशंका ने केंद्र और सेना के कान खड़े कर दिए हैं। रमजान के दौरान आतंकी वारदातों और अमरनाथ यात्रा को लेकर खुफिया इनपुट को देखते हुए सरकार को इस तरह की अनहोनी होने पर राजनीतिक नुकसान का खतरा सता रहा था। पत्रकार और सेना के जवान की ली थी जान। गुरुवार को घाटी में आतंकियों ने दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे घाटी सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रीनगर में आतंकियों ने इफ्तार पार्टी में शरीक होने जा रहे स्थानीय अखबार राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी को गोलियों से भून दिया था। वहीं सुबह शोपिया में आतंकियों ने सेना के राइफलमैन औरंगजेब को अगवा कर लिया और घाटी में सेना के आए ऑपरेशन आयल आउट के तहत कई दहशतगर्दों को मार्च गिराने वाले इस जांबाज जवान के अगवा होने से हड़कंप मच गया था। आतंकियों को सरकार का कड़ा संदेश। सरकार कश्मीर के हालात ने केंद्र की मोदी सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी थी। एक ओर एक तरफा सीज फायर तो दूसरी ओर आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे आए ऑपरेशन आयल आउट को लेकर निशाने पर आने की आशंका से घिरी हुई थी। ऐसे में मोदी सरकार सीज फायर खत्म कर और आए ऑपरेशन आयल आउट को फिर से शुरू कर वे संदेश देना चाहती है कि आतंकियों के खिलाफ उसके नजरिए में कोई नरमी नहीं आई है।